राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज मैं आप बताने वाली हूँ कामाख्या मंदिर के बारे में, कामाख्या जो देवी माता हैं उनके बारे में। कामाख्या मंदिर का यह गुप्त रहस्य जानकर होश उड़ जाएंगे। आपके दुनिया से छुपा था अब तक, अब मैं आपको बताती हूँ। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अधेरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलाचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता या रजस्वला भी होती हैं। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हैं जो मैं आपको बताती हूँ। मंदिर धर्म प्रणालियों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहन बिया, दुर्गा देउल बसंती पूजा, मदन देउल, अबोवासी और मानसा पूजा इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों मंदिरों में लाखों संख्या में भक्त पहुँचते हैं। यहाँ लगता है अम्बुवाची मेला। हर साल यहाँ अम्बुवाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ जाती है। आपको बता दें, मंदिरों में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है जब माँ के 3 दिन रजस्वला होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वह माता के रस से लाल रंग से भीगा होता है और इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहती हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। माता यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। भक्त जनों अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कन्या पूजन कराते हैं तथा पशुओं की बलि देते हैं, भंडारा भी लगाते हैं, पर मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती। एक और कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य यह है कि कामाख्या माता तंत्रकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे।